हेलो इन्वेस्टर्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वेदांता के शेयर के बारे में। हम यहाँ पे इसके चार्ट पैटर्न को देखेंगे और फिर एनालाइज करेंगे कि वेदांता के शेयर के अंदर आपका आने वाला ट्रेंड कैसा रहेगा, आपके क्या लेवल्स रहने वाले हैं वेदांता के अंदर आने वाली 10 अप्रैल के लिए। तो चलिए आज के एनालिसिस को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पे वेदांता का बना का चार्ट खोला हुआ, आप देख सकते हो। बात करते हैं स्टॉक के ट्रेंड की, तो आप देखो काफ़ी टाइम से जो स्टॉक आपका इसी रेंज के अंदर मूव हो रहा है। 267 का इसका सपोर्ट है, 294 का इसका रेसिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हाल ही में स्टॉक अच्छे खासे गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था, मगर बाद में स्टॉक ने वापस अपना यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया और वापस एक अप ट्रेंड की शुरुआत कर रहा है। देखो ये तो स्टॉक के लिए अच्छी चीज़ है। अगर हम बात करते हैं स्टॉक के सपोर्ट की, तो भी आप देखो स्टॉक अपना ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। अगर स्टॉक ने यहाँ से रिवर्सल दिखाया और ये नीचे जाने लगा, अगर इसने 267 का अपने सपोर्ट को ब्रेक किया तो आपको 253 तक के लेवल्स दिखाएगा, और अगर इस स्टॉक ने अपने 253 के सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया तो आपको 234 तक के भी लेवल दिखाने वाला है। सो स्टॉक के अंदर थोड़ा सा भी यहाँ पे ध्यान रखना। बात करते हैं स्टॉक के रेसिस्टेंस की, तो अभी आप देख सकते हो इसका जो हाई रेसिस्टेंस है वो 286.90 का है। ये स्टॉक इस रेसिस्टेंस को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। लास्ट टाइम इसने कोशिश की थी मगर ये वापस नीचे आ गया। अगर आपको ये रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो आपका नेक्स्ट रेसिस्टेंस रहने वाला है 295 का। इससे ऊपर का भी हम बाद में देखते हैं, पहले ये जो स्टॉक है ये अपने 286 के रेसिस्टेंस को ही ब्रेक कर दे। सो मगर आप, हाँ ये है कि आप इसी लेवल के बीच में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो अगर आप चाहो तो, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बीच में। सो ये थी पूरी एनालिसिस वेदांता के ऊपर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और भी ऐसी अमेजिंग एनालिसिस के लिए अभी सब्सक्राइब करो पैसा ग्रोवर को।